Cotton Kids. Hello friends, welcome to our new video. तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक नए चेस बोर्ड की अनबॉक्सिंग दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के भी करें इसको खोलना शुरू करते हैं। तो मैं इसको इस पार्ट से खोल रही हूँ, कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स ये तो मुश्किल हो गया खोलना मेरे लिए। कैसे खोलूं मैं इसको? फ्रेंड्स अब खुला ये जाकर। और फ्रेंड्स ये तो वुडन का है और चेस में दो सेना खेलती है, एक डार्क और एक लाइट। अगर आपको भी ये चेस खेलना पसंद है तो आप हमारे लिंक्स पे जाकर कोई चेस को बाय कर सकते हैं। तो ये तो एक वुडन का है और यहाँ से ओपन भी होता है। तो चलिए इसे हम इसका जो ये पैक है, ये पैक तो बहुत अच्छा हुआ है। चलिए अब इसका ऊपर का जो ये पन्नी चढ़ी हुई है इस पर हम इसको भी खोल देते हैं। ओ फ्रेंड्स ये तो अच्छे से बिल्कुल पॉलिश होकर आया, ऐसा लग रहा है जैसे ना स्प्रे की हुई है इस पर। अभी के लिए मैं सारा जो ये पंचे मेरे हाथ से निकल ही नहीं रहा, मैं कैसे निकालूं? और चलिए फ्रेंड्स इसको अब खोल के देखते हैं कि इसमें क्या। ओ फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल, पर इसमें थोड़े से इसके बाहर आए हुए हैं। तो चलिए हम इसको कुछ इस तरह से रख देते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, इसमें एक वजीर, एक घोड़ा, एक ऊंट, कुछ सोल्जर्स, किंग और रानी होती है। तो चलिए हम इसके सारे पॉज को बाहर निकालते हैं। और मेरे को अभी इसके जस्ट बेसिक्स पता है और मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूंगी। और फ्रेंड्स अगर आपको ये चेस जीतनी होती है तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इस गेम में चेस में ऐसा होता है जो चेस में दोनों जो फौज होती है उनमें से एक फौज का किंग मरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इनके किंग होते हैं ये सिर्फ एक ही बॉक्स, मत जैसे ये एक बॉक्स है, आप इन्हें घर भी कह सकते हैं। चलिए मैं आपको इन्हें सेट कर दिखाती हूँ। ये मेरे ख्याल से इसको वजीर कहते हैं। ये पहले हम वाइट टीम को, वाइट वाली को हम सेट करते हैं। ये फ्रेंड्स अब मेरे को पता चला कि क्यों लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि जो ये है ये अच्छी तरह से फिट हो जाए और ये ऐसे फिसले ना। और अगर ये ना होता तो इसका ये नीचे का जो है स्क्रैच पड़ जाते इसमें। इसको हम एलिफेंट, ये हाथी। और इस गेम में दोनों टीम सेम होती है, जैसे यहाँ पर भी सेम होंगे और ऐसे ही इनको अगर हम ब्राउन में कन्वर्ट करेंगे तो सेम यहाँ पे सेम हमें इनको टिकाना पड़ेगा। ये किंग है और इसकी क्वीन मेरे को लगता है ये है। इसको मेरे को मुकुट बड़ा प्यारा लग रहा है, नहीं फ्रेंड्स? तो जो सोल्जर होंगे इन्हें भी हम इनके आगे ऐसे रखने पड़ेंगे। और इसमें टोटल एक सेना के एट, मेरे को लगता है एट सोल्जर्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आप मेरे साथ इनको काउंट करेंगे। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8। हाँ फ्रेंड्स, इनमें 8 ही होते हैं। इनमें ये एलिफेंट 2 होते हैं, हॉर्स 2 होते हैं, और इनके वजीर भी 2 होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इस वाली ब्लैक वाली सेना को भी रख देते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इससे जल्दी से इसको हम सेट कर देते हैं। फ्रेंड्स, और मेरे पापा ने मेरे को और भी काफ़ी सारी गेम्स ला के दिए हैं, जिसका भी मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स, लगता मैंने राजा रानी को उल्टा लगा दिया है, तो मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए था। और फ्रेंड्स, मैं कह रही थी कि राम को मूव करना इनको सिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, जो एक्सपर्ट होते हैं चेस में, वो इनको अल्फाबेट्स में और नंबर में खेलते हैं। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया A1, A2, A3, A4, ऐसे वो इस चेस को खेलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम फिर से बेसिक लेवल पे आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं कह रही थी कि जो ये सिपाही, जो सोल्जर्स होते हैं, ये सिर्फ स्ट्रेट चलते हैं, और जो ये हाथी होता है, ये सिर्फ स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट और बॉटम चलता है। और जो ये हाथी है, ये जो घोड़ा है, ये टू घर और हाफ घर चलेगा। जैसे मेरा हॉर्स यहाँ पे है, तो ये 1, 2, 2.5 मीन हाफ, तो जैसे 1, 2 and half, ये ऐसे चलता है। और जो ये घोड़ा है, ये जंप भी कर सकता है। ये वजीर, ये सिर्फ ऐसे डायगनल डायरेक्शन में चलता है। सेम आपको यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे होता है, वैसे ही सेम यहाँ पे होता है। और क्वीन किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, लेकिन उसके सामने कोई पीस नहीं होना चाहिए। और जैसे ये राजा है, राजा सिर्फ एक ही बॉक्स चल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके मूव समझा रही हूँ। तो जैसे जो पहली बारी होती है, वो 2 चलेंगे, और ये वाला यहाँ से 2 चलेगा। तो ये क्या चलेगा, जो ये व्हाइट वाली टीम का होगा, ये ऐसे डायगनल चल के इस वाले सोल्जर को मार देगा। और जो घोड़ा होगा, ये 2.5 कर चलता है, जैसे 1, 2, 2.5। और ये हाथी है, ये हाथी लेफ्ट राइट स्ट्रेट एंड बॉटम चलता है। तो हाथी यहाँ आ गया, और जैसे और यहाँ से इसकी जो रानी है, ये यहाँ पे आ गई। और जो ये वाला सोल्जर है, ये आ गया यहाँ पे। और जो ये है, ये वजीर, ये डायगोनल में चलता है ऐसे। और जो ये हाथी है, ये ऐसे आ जाएगा। और ऐसे करते करते एक ऐसा समय आएगा जब आपकी राजा के पास, ऐसा समय आएगा जैसे आपका गेम ख़त्म होने वाला है। तो जैसे ये इसके दोनों ऊँट भी मर गए, इसकी रानी भी मर गई, इसके आसपास जो है ये सब मर गए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। जैसे ये जो है, ये सब मर चुके हैं। और जैसे ये सोल्जर जो है, ये भी दूर दूर आ गए हैं। और ये जो हाथी है, ये भी मर चुका है। और जैसे ये है, ये रानी आ गई यहाँ पे। और जो ये वाला घोड़ा है, ये आ गया यहाँ पे। और ऐसे अगर इस वाली रानी ने आपके राजा को कह दिया चेकमेट, तो आपका जो गेम है ख़त्म, और आपके पास कोई रास्ता नहीं है चलने के लिए। तो जैसे अगर आप रानी को मारेंगे, तो पीछे से आपको घोड़ा मार देगा। अगर आप इधर चलेंगे, तो आपको रानी मार देगी। तो ऐसे है जो ऐसे चेस खेलते हैं, और आपका गेम जो हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे इस चेस को खेला जाता है। तो अगर आपको मेरा ये पार्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो।
बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आवर चैनल।